हेलो दोस्तों, मैं सपन मातो और आप लोग देख रहे हैं एनिमल और बर्ड फार्म लवर चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल में एनिमल और बर्ड्स फार्म रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। दोस्तों, आज मेरे चूजे का 34 डे है और देख पा रहे हो। चूजे बहुत बढ़िया गलत कर रहा है यारो। तो मैंने 34 डे को, अब ये नाइट का टाइम है, वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, और ग्रोथ आप देख पा रहे हो। सब एवरेज 2 kg आ गया। अभी सेल आउट करने का टाइम है, बहुत मज़े का टाइम है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका फॉर्म में कुछ दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट में पूछे क्या क्या दिक्कत है। और 34 डे के बाद आप जीप्रोमोन की यूज करें, बहुत बढ़िया वेट गेन करता है दोस्तों। और स्प्रे एक दिन बाद बाद करते रहिए क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज बहुत खतरा है, सर्दी की दिक्कत आ जाएगा फिर से। और ह्यूमिडिटी के लिए रात को पानी के बर्तन रख दीजिए अंदर, और ऑक्सीजन के लिए पर्दा नीचे के तरफ थोड़ा, ऊपर के तरफ थोड़ा खुला रहने दीजिए। थोड़ा मतलब कैसे देख पा रहे हो उस तरफ मेरा कैसे खुला है, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे ऐसे करके करके थोड़ा थोड़ा खुला रखिए। और ऊपर के तरफ भी देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा पर्दा खुला हुआ है दोस्तों। तो आप भी ऐसा करें ताकि मोर्टालिटी 0 पे आए। और जीप्रोमोन बहुत अच्छा करता है दोस्तों। अभी फिनिशर स्टार्ट कर रहे हो तो ये ज़रूर डालें पानी के साथ, और इनोक्यूलन के यूज़ करिए ताकि एसिडिटी और डाइजेस्ट जो प्रॉब्लम है वो भी हट जाएगी। वाटर सैनिटरी बहुत बढ़िया काम करता है। जो मैं सीखता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो मैं आपको लोगों को बताता हूँ दोस्तों। और लाइक कर दो यारो चैनल को, मेरा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे जो वीडियो आएगा उसके अपलोडिंग वीडियो में डालूँगा कितना माल अपलोड हो रहा है, ठीक है ना? कितना मुनाफा कमाया है इस लॉट में, मैं A to Z डिटेल्स में डालूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो देख पा रहे मुर्गे, सब एवरेज 2 kg हो गया दोस्तों। आप भी ऐसा कर सकते हैं, देख पा रहे हो। और भूसी को नाइट के टाइम, नाइट जो पर्दा शटर लगा रहे हो उसके पहले ही भूसी को थोड़ा लाड़ दीजिए दोस्तों, दिन में एक बार, ताकि रात भर जो गैस बनता है वो ना बने, कम कम बने, ठीक है ना? तो मोर्टालिटी आपका नहीं होगा। रात जब शटर बंद कर रहे हो उस टाइम या कुछ पहले ही आप एक बार भूसी को लाड़ दीजिए, जहाँ जहाँ भीगा है उसको हटा दीजिए। और जहाँ चूजे ज़्यादा लड़िंग करती है डिंग कार के पास में, वहाँ का भूसी थोड़ा लाड़ दीजिए, ला दीजिए, ताकि जो गैस भर रहा है वो कम जाए और आपके चूजे फ्रेश ऑक्सीजन पाए, ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ओके बाय।